सबसे पहले फन द्वारा किया गया। विटामिन मानव शरीर में बहुत ही तेज सूक्ष्म मात्रा वेरी ट्रेस अमाउंट इज नीडेड इन ह्यूमन बॉडी एंड दे यूज इन द रेजिस्टेंस पावर। आप देखिए इनका उपयोग ज़्यादातर रोगाणुओं से लड़ने वाली जो क्षमता होती है उसको पूरी तरह से बनाए रखना या रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना इस तरह से, और शरीर में होने वाले जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं वो इन्हीं द्वारा नियंत्रित होती है। इंटायर मेटाबॉलिक रिएक्शन आर टुक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी दैट आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द विटामिन्स। इस तरह से विटामिन्स के फंक्शंस हैं। यू विटामिन्स के दो प्रकार हैं, एक प्रकार है आपका विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है, जो जल में घुलनशील है, और दूसरी है फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी एंड सी है, जबकि वसा में ए डी ई और के आते हैं। तो इस तरह से ये डिवीज़न है विटामिन्स का। और इन विटामिन्स को पढ़ने के लिए आपको चाहिए कि वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। वाटर में बी और सी मैंने, अगर हम बी को देखें तो बी इज ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स, ये विटामिनों का एक समूह है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बी वन, बी टू, बी फाइव, बी सिक्स और बी सेवन जिसे बायोटिन कहा जाता है, और इसके बाद में बी ट्वेल्व, ये ज़्यादातर जरूरी है आपके लिए। बी को थायमिन कहा जाता है, बी टू को राइबोफ्लाविन, बी फाइव को नियासिन, और इसके बाद में पाइरिडॉक्सिन, बी सेवन बायोटीन है साइमोन कोवैलेंट, तो इस तरह से ये बी कॉम्प्लेक्स हैं। बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और ये बेरी बेरी रोग एक खास क्वेश्चन जो बनता है कि चावल की ऊपर जो कवरिंग होती है, जब हम धान को धान से चावल निकालते हैं तो उसका कलर कुछ मटमैला सा होता है, तो वो जो कवरिंग होती है मटमैले कलर की, उसमें पाया जाता है विटामिन बी वन। अगर हम उसको हटा देते हैं तो ऐसे क्रीम असल में पॉलिश युक्त या बिना पॉलिश युक्त, असल में जो पॉलिश किए हुए चावल हैं अगर उनको हम खाएंगे तो हमारे हमें विटामिन बी वन प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से इसकी कमी से ज़्यादातर यही माना जाता है, जो इस तरह के वाइट चावल हैं आप खा रहे हैं उसमें विटामिन बी वन तो है नहीं, धीरे धीरे इसकी कमी हो जाती है। और ये विटामिन बी वन ज़्यादातर काम करती है शरीर में होने वाली मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। तो इस तरह से ये बी वन है। इसके बाद में बी टू, इसे राइबोफ्लाविन कहते हैं, इसकी कमी से कीलोसिस हो जाती है। ये ज़्यादातर आर्टवर्म के कॉर्नर्स, जीवा ऐठने लगती है, सूखने लगती है, इस तरह के लक्षण अगर आपके दिखाई देते हैं तो वो बी टू के कारण है। बी फाइव भी आप जानते हैं पेलाग्रा एक बीमारी है, पेलाग्रा आप जानते हैं, जिसमें हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और हल्के हल्के दाने भी दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से स्वेलिंग आप विटामिन बी फाइव में देखते हैं। और इसी के बाद बी सिक्स, इससे माइक्रो एनीमिया होता है, एनीमिया, और इसकी कमी से हेयर फॉल्स होते हैं, बालों का झड़ना माइक्रो एनीमिया, और साइनोकोबैलामाइन इसे बी ट्वेल्व कहते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इस विटामिन में कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद में इससे जो बीमारी होती है वो परनीसियस एनीमिया होती है, परनीसियस एनीमिया इससे होती है।
तो इस समय आप देख रहे हैं थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन एंड साइनोकोबालामाइन। लास्ट वाली विटामिन जो B12 है उससे क्या होता है, पैरा B12 से इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और परनीशियस एनीमिया होती है। इसके बाद B7 बायोटिन, हेयर फॉल्स बालों का झड़ना, B6 पायरिडॉक्सिन माइक्रो एनीमिया, नियासिन ग्लाग्रा, B2 राइबोफ्लाविन, किलोसिस, B1 थायमिन बेरी बेरी। इस तरह से ये रोग होते हैं। अब इनकी कमी को पूरा कैसे किया जाए, इनकी कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, अनाज, अंडे, लीवर, जितने जो नॉन वेज हैं उनसे, और ज़्यादा दूध, तो इन चीज़ों का भारी मात्रा में उपयोग होना चाहिए। तो ये ज़्यादातर, जैसे कि हमने एक स्पेशल फीचर बताया था आपको B1 में, कि B1 में क्या पाया जाता है, चावल में ये विटामिन होती है। तो अगर आप इस तरह के चावल लेते हैं तो आपको कोई बीमारी होने के इस तरह के चांसेस नहीं है। तो किलोसिस, माइक्रोएनीमिया, परनीशियस। अब B12 भी एक ऐसी विटामिन है जो केवल आपको क्या करती है, केवल उससे प्राप्त होगी B12 के इंजेक्शंस। अब तो मार्केट में B12 के इंजेक्शंस आ गए हैं, सीधे B6 B12 के इंजेक्शंस हैं जो सीधे न्यूरोबियॉन, पॉलीबियॉन, इस तरह के कई इंजेक्शन आ चुके हैं जो दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन B1 का पार्ट, बी का पार्ट था, बी कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद बी कॉम्प्लेक्स के बाद में अब विटामिन सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। अब इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है, इसकी कमी से पहली बात तो स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब है सीधे मसूड़ों स्वेलिन आना, उससे ब्लड आना, तो इस तरह की इसकी पहचान है। इसके बाद घाव का देर में भरना, घाव का देर में भरना, और इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बीकेम वीक। तो इस तरह से स्कर्वी, घाव का देर में भरना, पाचन क्रिया आदि कई फीचर्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो बॉडी में विटामिन सी की बहुत अति आवश्यकता होती है। तो आपको निखार कहते हैं, तो त्वचा में एक जो चमक है वो भी इसी विटामिन का रोल है। इसके बाद में आप देखेंगे इस विटामिन को पूरा कैसे किया जाए, ये खास क्वेश्चन बनता है कि विटामिन सी या कौन सा तत्व तो दूध में नहीं पाया जाता, तो वो है विटामिन सी। तो ये क्वेश्चन अक्सर बना रहता है कि विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। हाँ, ये जरूर है कि अंकुरित अनाजों में ये कन्वर्ट हो जाती है, भले इसमें B कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दे कन्वर्ट इनटू विटामिन सी व्हेन दे जर्मिनेट। जैसे ही बीज जर्मिनेट करते हैं तो वो उसमें कुछ केमिकली रिएक्शन होते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं। इसके बाद ये विटामिन आंवला, सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला में, इसके बाद में नींबू, संतरा, मौसम्बी, इस तरह के आलू, टमाटर, इनमें भी ये पाई जाती है। तो इस तरह से जो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, और आप इसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। इसको पूरा करने के लिए नींबू यानी खट्टे पदार्थों का ज़्यादातर आपको उपयोग करना होगा। तो इस तरह से इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, विटामिन सी कमी से रोग कैसे होते हैं, एक क्वेश्चन इसका बना रहता है और अक्सर आता रहता है। विटामिन सी तो और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे पेलाग्रा है उसमें बताया था। तो इस तरह से ये सारे फीचर्स हैं इसके विटामिन के। तो ये एक विटामिन का भी पार्ट कवर हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट लगभग कवर हो गया। तो ये अब इसके बाद में हम अगले टर्न पे आपको डिस्कस करेंगे वसा, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका।